दुनिया भर में डंका बजा रही शाहरुख खान और नयनतारा की फिल्म जवान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसे देखकर लगता है कि अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। रिलीज होते ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट की ऐसी जिससे सुनामी लेकर आई कि इसके आगे पिछली सभी फिल्मों का रिकॉर्ड फीका पड़ गया। जवान ने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी एक्शन ओरिएंटेड फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनाने की लिस्ट में शामिल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। फिल्म कुछ ही दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगी। दुनिया भर में जवान 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जवान फिल्म इटली कुमार की बॉलीवुड में पहली फिल्म है। वहीं शाहरुख के साथ भी उन्होंने पहली बार काम किया है। फर्स्ट टाइम में ही इटली की फिल्म ने कुछ ही दिनों में जीत का शतक लगा दिया। अब फिल्म की नजर 1000 करोड़ की कमाई पर है। दुनिया भर में जवान फिल्म ने 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 16 दिन यानी कि शुक्रवार को मूवी का कलेक्शन 937 करोड़ हो गया। इस रफ्तार से आगे बढ़ने वाली फिल्म अपनी पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। हाल ही में डायरेक्टर इटली कुमार ने फिल्म को ऑस्कर में भेजे जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था इसके लिए वे शाहरुख खान से बात भी करेंगे। फिल्म में शाहरुख खान, नयनतारा के अलावा दीपिका पादुकोण और संजय दत्त भी थे। उन्होंने कैमियो किया था जो कि काफी ज्यादा दमदार भी था। वेल, आपको बता दें कि ऑस्कर्स की नॉमिनीज अब स्टार्ट हो चुके हैं और नॉमिनेशन की कई सारे फिल्मों के नाम भी सामने आए थे जिसमें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का भी नाम दिखाई दे रहा था। ऐसे में इटली कुमार का मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करना काफी ज्यादा दिलचस्प साबित भी हो सकता है। वेल, आपको बता दें कि अभी जवान ने गदर 2 का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है लेकिन जवान खुद अपनी पहले वाली मूवी यानी कि पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। वेल, देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई शाहरुख खान अपनी पुरानी मूवी पठान जो कि ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी उसी का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया बेंचमार्क सेट करते हैं आने वाले मूवीज के लिए। वो तो खैर आने वाले दिनों में ही पता लग जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।